हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में। मैं मनवर सिंह लाया हूँ 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके उत्तराखंड के प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है कपनी, गंगोत्री, सुंदरडुंगा और मिलम। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। यह कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है। इस हिमनद के गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिमनद प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है। तो हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगनाथ। ओके, तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3,680 मीटर की ऊंचाई पर, उखीमठ गोपेश्वर के मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। शिव के इस मंदिर में गुंबद के संपूर्ण विस्तार में 16 द्वार हैं। यहां आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति भी स्थित है और यहाँ शिव के भुजाओं की पूजा होती है। पंच केदार में इन्हें तृतीय केदार कहा जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में होती है। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज्य में चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ। चार धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम केदारनाथ है। केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। इस मंदिर की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड के चारों धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ किन जिला समूहों में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, या आप लोगों भी इस आंसर को जानते होंगे और मैं भी बता दूं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। क्योंकि बिकॉज चमोली में क्या है, बद्रीनाथ है, रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ, और उत्तरकाशी में क्या है, गंगोत्री तथा यमुनोत्री। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंच गुफाएं नहीं है। पंच शिलाएं हैं, पंच धाराएं हैं और पंच कुंड भी हैं, लेकिन पंच गुफाएं नहीं है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो ऑप्शन है ओंकार देवी, ऑप्शन बी गोरा माई, ऑप्शन सी कोट माई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोट माई रानीखेत के पास। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुजार्मक किसका प्राचीन नाम था? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश। ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर देहरादून, पौड़ी व टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। ऋषिकेश केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जार्मक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश है। ऐसी मान्यता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान को कुब्जार्मक कहा जाने लगा था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़ा हाट।
देवभूमि के नाम से विख्यात यह जिला भागीरथी नदी की दाएं ओर स्थित है। उत्तर की काशी के उपनाम से प्रसिद्ध उत्तर काशी का प्राचीन नाम सोम काशी व बाड़ाहाट था। 1803 की भयंकर बाढ़ भूकंप में बाड़ाहाट नगर के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद वर्तमान उत्तरकाशी नगर को वरुणावत पर्वत के पाद प्रदेश में बसाया गया था। यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण दृश्यों यथा नदियों पहाड़ों से परिपूर्ण है। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था और प्रशासनिक कार्यों के कारण इस नगर में तीव्र गति से विकास भी हुआ। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है भारत का एडिनबरा रानीखेत में, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट में, बलाना कोसानी में, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा यानी सम्मिलित नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत का एडिनबरा रानीखेत, ये गलत है। आप कोशिश करना चाहेंगे इसका सही आंसर देने के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है विल्व पर्वत पर, द्रोण पर्वत पर, नील पर्वत पर और सप्तऋषि पर्वत पर। तो इनमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विल्व पर्वत पर। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विल्व शिखर जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है, वो मतलब इसका जो सही आंसर है वो है विल्व पर्वत। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माया देवी। यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों यानी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नगर के बीच में स्थित है। माया देवी हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी है। माया देवी का मंदिर मायापुर अर्थात हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? तो ऑप्शन है फन वैली, ऑप्शन बी है मानसी डियर पार्क और ऑप्शन सी है हरकादून, ऑप्शन डी रोबस की गुफाएं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरकादून, यानी यह देहरादून में नहीं है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिस्सू किस जिले में स्थित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में। ओके, पौड़ी से 19 किलोमीटर दूर स्थित खिस्सू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटन स्थल है। यहाँ की हिमाचादित श्रृंखलाएं मनोरम दृश्य प्रदान करता है। इसके निकट घने बांध एवं देवदार के वन एवं सेब के बागान हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? तो ऑप्शन है होमकुंड, रूपकुंड, हेमकुंड, देवीकुंड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमकुंड। हेमकुंड में लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, कृपया आप बताने का कष्ट करें, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि वह पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, पिथौरागढ़। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। गंगोली हाट के पास पाताल भुवनेश्वर मंदिर एक गुफा के भीतर स्थित है जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा, महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि की कई प्राचीन व उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां 23 कोटि देवता निवास करते हैं। यहां जमीन से 120 मीटर की गहराई में शिवलिंग है
यह भी एक आश्चर्यजनक स्थान है, यहाँ पातालगंगा नदी। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नारद कुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी जनपद में कौन सा मंदिर स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ मंदिर। भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ का रघुनाथ यानी राम मंदिर वर्तमान में इस घटना का साक्षी है। द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर की प्रतिष्ठापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारी की पुत्रवधु मधुरा वेराणी द्वारा गढ़वाल राजवंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस से गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यह नगर देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर पूर्व में हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं के आश्चर्यजनक दृश्य को प्रस्तुत करता है। मसूरी को अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्रफुल्ल सामाजिक जीवन एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। यहाँ की सबसे ऊँची चोटी गनहिल पहाड़ी है और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कैंपटी फॉल, मैसवी फॉल, चक्राता फॉल, धनोल्टी, नाग देवता, ज्वालाजी मंदिर, क्वेल सेंचुरी और आदि प्रसिद्ध। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपावत जिले में। और नागनाथ का प्राचीन मंदिर नगर में तहसील भवन के पास है। इस मंदिर का शिल्प भी बहुत उत्कृष्ट माना जाता है या बहुत उत्कृष्ट है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियोस में इसी के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।